Dear students, today we are in the lecture number 34 of the Distributed Database Management System course. Let's start today's lecture by briefly reviewing what we have done in the previous lecture. In our previous lecture, we concluded the data localization phase of the query processing, and after that, we started the query optimization phase of the Processing. As we have already discussed, that the objective of the query optimization phase is to produce such a query that performs the required job that fulfills the user requirements in an efficient way. And so far, we have seen many examples where we have found out that by having a query.

एफिशिएंसी का एक्सीक्यूशन का बहुत ज़्यादा फर्क आएगा और ये हमने जो पहले दो फेजेस थे इवन यानी जिसमें हमने कहा था कि क्यूरी डिकम्पोजिशन और डेटा लोकलाइजेशन इवन उनके अंदर भी हमने देखा था कि जो प्रोसेस हम उन दो फेजेज में परफॉर्म करते थे उनसे भी क्यूरी की एक्सीक्यूशन में बहुत फ़र्क पड़ता था यानी पहले दो फेज जो कि हमारे थे क्यूरी डिकम्पोजिशन और डेटा लोकलाइजेशन उनका ऑल दो डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव नहीं था क्यूरी को ऑप्टिमाइज करना लेकिन फिर भी उन फेजेस के दौरान भी हमारी जो हमने प्रोसेस किए थे जो स्टेप्स लिए थे एक इनपुट क्यूरी के ऊपर उससे हमने ये देखा था कि क्यूरी की एफिशेंसी में बहुत फ़र्क पड़ जाता था अब जो हमारे पास क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन फेज़ है ये तो स्पेसिफिकली है ही इसी मकसद के लिए कि हमारी जो क्यूरी इनपुट हुई है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा एफिशेंटली एक्सिक्यूट करें पिछले लेक्चर में वी हैव स्टार्टेड दिस फेज़ ऑफ द क्यूरी प्रोसेसिंग एंड बेसिकली दिस इज द थर्ड फेज ऑफ द क्यूरी प्रोसेसिंग इसमें हमने ये डिस्कस किया था कि इसके बेसिकली तीन कंपोनेंट्स हैं जिनमें से एक है सर्च स्पेस एक है कॉस्ट मॉडल और सर्च स्ट्रेटजी ये तीन चीज़ें हैं जो कि क्यूरी ऑप्टमाइजेशन में कंसिडर होती हैं सर्च स्पेस जो है उसमें हमारे पास डिफरेंट क्यूरी ट्रीज़ होते हैं जो कि एक्वलेंट होते हैं जो सर्च स्ट्रेटजीज हैं वो इन सर्च स्पेस की जो डिफरेंट क्यूरी ट्रीज़ हैं उनमें से किसी एक जो ऑप्टिमल है उसको सेलेक्ट करती है और उसमें जो अप्रोच इस्तेमाल हो सकती है उसको सेलेक्ट करने के लिए वो स्टैटिक भी हो सकती है डायनामिक भी हो सकती है और रेंडोमाइज भी हो सकती है इसके अलावा हमने ये देखा था कि जो हमारा कॉस्ट मॉडल है जो क्यूरी का रिस्पॉन्स टाइम है और टोटल टाइम है उनको कंसिडर करता है और इनमें डिफरेंस क्या है ये भी हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था डियर स्टूडेंट्स इसके अलावा हमने पिछले लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि वेन वी टॉक अबाउट द कॉस्ट ऑफ एक्सीक्यूशन ऑफ ए क्यूरी देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर एंड स्पेशली इन ए डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट इज़ द ट्रांसमिशन कॉस्ट यानी वैसे तो इस पर जो कॉस्ट आती है वो तो आप कह सकते हैं कि जो इनपुट आउटपुट हो रहा है आपका वो उसकी उस पर भी कॉस्ट आती है ख़ासतौर पर जो आप डिस्क पर रीड जो राइड करते हैं इसके अलावा जो अदरवाइज उसके रैम में या जो सी पी यू किसपे इंस्ट्रक्शन एक्सीक्यूट होती हैं उस पर भी टाइम फैक्टर जो है वो इन्वॉल्व होता है लेकिन जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड एक एनवायरनमेंट है उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट या जो मेजर फैक्टर है क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन में वो है ट्रांसमिशन कॉस्ट यानी जब आप का डाटा जो है वो एक साइड से दूसरी साइड पे ट्रांसफर होता है डिफरेंट रीजन के बेस पे ज़ाहिर है कि हम एक डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा बेस सिस्टम एन्वायरमेंट में है तो हमारे जो ऑपरन टेबल्स हैं वही डिफरेंट साइट्स के ऊपर हो सकते हैं फिर ये है कि किसी एक साइड से क्यूर एक्सिक्यूट हो रही है या इनिशिएट हो रही है किसी साइट पे आपके इंटरमीडिएट टेबल क्रिएट हो रहे हैं और फिर फाइनल जो आपकी रिजल्ट साइट है उस पर आपको डाटा ट्रांसफर होना है तो इस तमाम एक्टिविटी के अंदर आप देखिए कि डाटा जो ट्रांसमिशन है वो इन्वॉल्व है तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है वो आपके पास ट्रांसमिशन है इसके अलावा क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन में एक और जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है दैट इज साइज ऑफ इंटरमीडिएट टेबल्स अगर हम इसको कंट्रोल कर लें कि हमारे पास जो इंटरमीडिएट टेबल्स क्रिएट हो रहे हैं फॉर द क्रिएशन ऑफ द फाइनल आउटपुट क्यूरी एक्सीक्यूशन के दौरान जो टम्प्रेरी टेबल्स दरमियान में जो टेबल्स क्रिएट हो रहे हैं उनका साइज़ भी ऑप्टिमाइजेशन में बहुत मैटर करता है तो उसको भी हमें कंट्रोल करना है या उसके ऊपर नज़र रखनी है इसके अलावा यह है कि क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन के अंदर जो डाटा बेस स्टेटिस्टिक्स है वो भी इस्तेमाल होती है और ये जो मॉडर्न डी हैं उनका एक इम्पॉर्टेंट फीचर है कि वो जो डाटा data, डेटाबेस में मौजूद है उसके बारे में डिफरेंट जो स्टैटिस्टिक्स है वो मेंटेन करते हैं एंड दैट इज़ द जॉब ऑफ डीबीएमएस वी वो उसमें आपको गाइड करने की ज़रूरत नहीं है वो अगर आप चाहें तो आप ख़ुद भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन अदरवाइज डीबीएमएस ख़ुद जो है वो उसको यूज़ करता है और मैंटेन करता है मिसाल के तौर तो पर आप देखिए कि जैसे आप कहते हैं कि एक टेबल का साइज़ क्या है एक रिकॉर्ड का साइज़ क्या है उसमें जो एक एट्रीब्यूट है उसमें डिफरेंट यूनिक वैल्यूज कौन कौन सी हैं और इस तरह की कुछ और जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो मेंटेन करता है आपका डी और इन चीज़ों को इन फिगर्स को आप यूज करते हैं टू कंप्यूट टू द साइज़ ऑफ द इंटरमीडिएट टेबल्स क्योंकि जाहिर है कि जो आप थ्यूरी ऑप्टमाइजेशन कर रहे हैं तो ये जो आपकी एक्टिविटी है दैट इज बींग डन

आपके पास फिगर्स इस्तेमाल होती हैं क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन के दौरान तो दिस इज वट वी हैव कवर्ड इन द प्रीवियस लेक्चर स्टार्ट लेक्चर नाउ एंड एंडट सी वट वी आर गोइंग टू कवर इन टूडेज लेक्चर टूडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर डिस्कशन विद विद्यूरी ऑप्टिमाइजेशन एंड स्पेसिफिकली वी विल फोकस ऑन देंट्रलाइज क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन दैट इज द क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन इन ए सेंट्रलाइज डाटा बेस सिस्टम इन्वायरमेंट and uh, the major topics that we are going to cover there are best uh, access path what do we mean by that and uh, join processing you will find uh, in our later discussion that the most uh, important operation regarding the query optimization is join because uh, it involves multiple operation multiple uh, relations data movement and the creation of intermediate tables so that is why it is uh, among the heaviest operations that are performed during the query processing so the main focus of the query optimization uh, process is to reduce the cost of the join operation and that you'll find in the later discussion then uh, we will also discuss the query optimization in distributed environment so let's start today's lecture dear students we have seen that

जनरली हम ये कहते हैं कि जो हमारे पास ऑप्टिमाइजर है उसके लिए इनपुट वो क्यूरिट्री है लेकिन दैट इज रिगार्डिंग देंट्रलाइज क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन क्योंकि वैन वी आर डिस्कसिंग द डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा बेस्ड एन्वायरमेंट उस केस में जो क्यूरिटी कंपोजिशन है उसका जो आउटपुट है दैट गोज इन टू डाटा लोकलाइजेशन फेज लेकिन ज़ाहरा जब हम बात करते हैं सेंट्रलाइज्ड एनवायरमेंट की तो उसमें चूंकि डाटा लोकलाइजेशन का फेज नहीं होता रीजन उसकी ये है कि आपके तमाम टेबल्स हैं वो एक ही लोकल साइट के ऊपर मौजूद हैं इसलिए यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जो आपका ऑप्टिमाइजर है उसको जो क्यूरी ट्री मिलेगा वो मिलेगा फ्रॉम द क्यूरी डिकम्पोजिशन फेज से उसके बाद यह है कि अगर हमारे पास क्यूरी के अंदर एक सिंगल रिलेशन इन्वॉल्व है तो उसमें तो स्ट्रेटजी ये होगी या उसमें जो चीज़ सोचने वाली है या जो ऑप्टिमाइजर का उस पर रोल है वो ये है कि इस सिंगल रिलेशन के लिए बेस्ट एक्सेस पाथ का इंतखब करें इसको हम आगे डिस्कस करेंगे और अगर हमारे पास थ्यूरी में जॉइन इन्वॉल्व है तो उसके लिए तीन स्टेप्स होंगे पहला ये है कि जॉइन की जो तमाम पॉसिबल ऑर्डरिंग्स हैं उनको डिफ़ाइन करें जॉइन की पॉसिबल ऑर्डरिंग्स से मुराद ये है कि आप देखें कि जो हमारे पास एक जॉइन ऑपरेशन है वो हम किस किस तरह मुख्त तरीक़ों से कर सकते हैं और इसमें ये है कि आप इसको यूँ इनके इसके पॉसिबल ऑर्डरिंग यूँ लेते हैं कि आप जितने उसमें रिलेशन इन्वॉल्व हैं उनकी जॉइन ऑपरेशन के साथ परमोटेशंस करते हैं अब यह है कि प्रमोटेशन से क्या मुराद है इसके लिए देखिए कि आपके पास जो एक जॉइन ऑपरेशन है उसमें जितने भी रिलेशन इन्वॉल्व हैं उनके आपने डिफरेंट ऑर्डर्स बनाने हैं ऑर्डर इस तरीके से कि आपने जो उनकी तरतीब है जॉइन ऑपरेशन के अंदर उसको तब्दील करना है मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास दो रिलेशन हैं तो उसमें हमारे पास ऑपरेशन है ए जॉइन बी तो परमोटेशन में एक परमोटेशन में जो आपके पास ऑर्डरिंग होती है जो परमोटेशन में आप ग्रुपिंग करते हैं इसमें जब आप डिफरेंट ऑपरेंट्स को मिलाते हैं उसके अंदर जो इनका ऑर्डर है वो बेटर करता है इसका मतलब यह है कि अगर हमारे पास ए और बी दो रिलेशन हैं और उनका आप जॉइन लेना चाहते हैं तो ए जॉइन बी जो है वो और चीज़ होगा और जो बी जॉइन ए है वो और चीज़ होगा इसी तरीके से कि जब आपके पास तीन रिलेशन हैं ए बी और सी तो यहाँ पे प्रमोटेशन यूँ हो सकती हैं कि आया आपने ए क्रॉस बी या सॉरी ए जॉइन बी लेना पहले और फिर सी के साथ करना है या पहले आपने बी और सी का जॉइन लेना है और फिर जो आप, आपके पास आउटपुट आएगा उसको एक के साथ ज्वाइन करना है और बात यह है कि चूंकि जो आपका नेचुरल जॉइन है उस पे कमेटिव जो प्रॉपर्टी है वो चूंकि होल्ड करती है इसलिए अगर आप लेते हैं ए जॉइन बी और अगर आप लेते हैं बी ज्वाइन ए तो इन दोनों का जो आउटपुट है वो तो सेम होगा लेकिन जब आप इस चीज़ को एक्सीक्यूट करेंगे इम्प्लीमेंट करेंगे तो डिफरेंट कंडीशन के ऊपर इन पे जो कॉस्ट आएगी वो डिफरेंट हो सकती है चनाचे इसका मतलब यह हुआ कि जब हम बात करते हैं प्रमोटेशन की उसमें यह होगा कि आप ये देखेंगे कि आप जितने भी पॉसिबल इसके इस तरह से ऑर्डर बनते हैं वो तमाम आप कंसिडर करेंगे और फिर उसके बाद आप ये देखेंगे कि आपके पास इनमें से हर एक के ऊपर कॉस्ट क्या आती है यानी जब सेकंड फेज है वो ये है कि आप देखेंगे कि आपके पास जितनी भी ज्वाइन ऑर्डरिंग बनती हैं उन ऑर्डरिंग के ऊपर आपने देखना है कि आपकी कॉस्ट क्या आती है और फिर उसके बाद यह है कि क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन ये करेगा कि जिस ऑर्डरिंग के ऊपर आपके पास मिनिमम कॉस्ट आती है उसको सिलेक्ट कर लेगा एज आवर फाइनल एग्जीक्यूशन स्ट्रेटजी तो बेसिकली जो आपके पास क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन है ये इन तीन स्टेप्स को फॉलो करती है अब यह है कि जो हमारे पास डिफरेंट अप्रोचेज है क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन की वो इन स्टेप्स को डिफरेंट तरीकों से परफॉर्म करेंगी लेकिन इन जनरल जो फोकस है किसी भी क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक का स्ट्रेटजी का या अप्रोच का वो यही तीन स्टेप्स हैं अब यह है कि कॉस्ट मॉडल असाइंस एस्टिमेट्स या कॉस्ट टू ऑपरेशन बेस्ड ऑन द कार्डिनेलिटी ऑफ द ऑपरेंट्स और जाहिर है कि ये हम बात पहले पढ़ चुके हैं कि जो आपके टेबल्स की कार्डनेलिटी है वो तो आप पास जाहिर है कि डाटा बेस की जो स्टैटिस्टिक्स है उसमें स्टोर है जब हम बात करते हैं द कार्डनैलिटी ऑफ द ऑपरेंट्स उसमें यह है कि जब हमने देखा था कि एक दफा के जो हमारे पास एक फिगर या डाटा ये भी स्टोर होता है तो वट इज द सेलेक्टिविटी फैक्टर ऑफ डिफरेंट ऑपरेशन तो उस ऑपरेंट का जो सेलेक्टिविटी फैक्टर है उसको इस्तेमाल करते हुए और टेबल की स्टैटिस्टिक्स को इस्तेमाल करते हुए हम जो ऑपरेशन है एक पर्टिकुलर ऑपरेंट है उसकी कार्डनैलिटी जो है वो हम कंप्यूट करते हैं तो जैसे कि आगे लिखा हुआ है कि दार्डनैलिटी ऑफ द ऑपरेंट्स दैट इज ऑप्टेंड फ्रॉम द डाटा बिज स्टैटिक्स और ये जो है दार्डनैलिटी ऑफ द ऑपरेंट्स ये क्यों जरूरी है ये जरूरी इसलिए है कि इसकी बेसिस पे हम जो हमारे इंटरमीडिएट टेबल्स क्रिएट होते हैं उनका साइज कैलकुलेट करते हैं क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन के अंदर एक मेजर फैक्टर ये भी है कि जो आपके इंटरमीडिएट टेबल क्रिएट हो रहे हैं उनके साइज को आप कंट्रोल करें मिनिमाइज करें अब जो हमारे पास ये लिखा हुआ है कि दे आर ट्रू मेजर स्टेप्स इन द ऑप्टिमाइजेशन एलगोरिदम पहली बात तो यह है कि बेस्ट एक्सेस पाथ फॉर इंडिविजुअल रिलेशन विद प्रेडिकेट ये जब आपके पास कोई जैसे आपके पास सेलेक्ट की क्यूरी आती है और यू वांट टू एक्सेस टपल टपल्स रिकॉर्ड्स जिसमें कि आपके पास कोई कंडीशन लगी हुई है तो उसमें जाहिर है कि देन यू हैव टू एक्सेस द रिलेशन और फिर उसके बाद आपने उस पर प्रेडिकेट को अप्लाई करना है और फिर जो जो टपल्स उस प्रेडिकेट को फुलफिल कर रहे हैं वो फेच करेंगे आप एज ए रिजल्ट ऑफ दैट क्यूरी और इसकी एग्जांपल वही है कि जैसे आपके पास सेलेक्ट की स्टेटमेंट है एसक्यूएल में और साथ आप वेयर लगा के आप एक टेबल के ऊपर एक कंडीशन देते हैं एक प्रेडिकेट देते हैं अब जाहिर है कि प्रेडिकेट यू हैव टू अप्लाई ऑन द ऑफ़ द रिलेशन एंड फॉर दैट यू हैव टू एक्सेस द रिलेशन तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई है बिकॉज यू हैव टू एक्सेस द रिलेशन फिर उसमें यह है कि डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द प्रेडिकेट यू विल यूज द बेस्ट एक्सेस पाथ फॉर दैट रिलेशन और वही मैटर करेगा कि आपकी क्यूरी जो है वो कितनी एफिशिएंटली एक्सिक्यूट हो रही है मिसाल के तौर पे अगर आपका जो क्यूरी है उसमें जो प्रेडिकेट है इफ़ दैट प्रेडिकेट इज़ बेस्ड ऑन द प्राइमरी की तो फिर उसमें तो जाहिर है कि आपको पता है कि जो आपके रिकॉर्ड्स हैं जो टपल्स हैं दे आर स्टोर्ड इन दैट ऑर्डर तो जो आपकी प्रेडिकेट है उसको अप्लाई करना इज़ मच ईजियर क्योंकि आपके जो रिकॉर्ड्स हैं उसी ऑर्डर में पड़े हुए हैं अब फर्ज करें कि आपका जो प्रेडिकेट है दैट इज़ नॉट ऑन द प्राइमरी कीट इज़ ऑन ए नॉन की एट्रीब्यूट अब यहाँ पर यह सवाल पैदा होता है कि आया कि उस एट्रीब्यूट के ऊपर हमारे पास वो जो रिलेशन है वो इंडेक्स है कि नहीं है अगर तो इंडेक्सड है तो जाहिर है कि उस पर आपकी जो एक्सेस uh, होगी वो बड़ी एफिशिएंट होगी कि आपको एक खास ऑर्डर में जो है रिलेशन मिल जाएंगे थ्रू इंडेक्स मतलब फिजिकल तो उनकी जो location, जो स्टोरेज है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द की लेकिन जब आपके पास लेट्स आप नेम पे एक्सेस कर रहे हैं आपका है कि प्रेडिकेट अवियर नेम इज़ लेट से ग्रेटर देन रियाज तो जिनके नाम बनते हैं वो रियाज से बड़े बनते हैं अगर हम उसको करें तो अब इस केस में आपने नाम के बेसिस पे रिलेशन को एक्सेस करना है तो अगर तो आपका रिलेशन इंडेक्स्ड है नेम के ऊपर उस केस में जाहिर है कि आपकी जो एक्सेस होगी दैट विल बी एफिशिएंट कि आपको थ्रू इंडेक्स जो रिकॉर्ड्स हैं वो खास ऑर्डर में मिल जाएंगे लेकिन अगर आपके जो रिलेशन है दैट इज नॉट इंडेक्स्ड तो उस केस में जो आपके पास जो जो आपकी एक्सीक्यूशन है जो आपका एक्सेस प्लान है उस रिलेशन का वो थोड़ा सा इनफिशेंट हो जाएगा इसलिए कि उस केस में आपको तमाम के तमाम जो रिकॉर्ड्स हैं वो एक्सेस करने पड़ेंगे अदरवाइज अगर ये इंडेक्स होता तो फिर आपको एक सर्टन पार्ट ऑफ द रिलेशन वही एक्सेस करना पड़ता थ्रू द इंडेक्स इसके अलावा हमारे पास दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि जब हमारे पास जो थ्यूरी है उसमें अगर ज्वाइन इन्वॉल्व है तो अब आपने ये करना है कि ज्वाइन के लिए आपने जो बेस्ट ऑर्डरिंग है उसकी सिलेक्शन करनी है अब इसमें जनरली जो है वो दो पॉसिबिलिटीज एक्सिस्ट करती हैं पहली ये है कि यू एक्सिक्यूट दी जॉइन ऑपरेशन यूजिंग नेस्टेड लूप अब देखिए कि वट डू वी बीन बाय द एक्सीक्यूशन ऑफ ज्वाइन यूजिंग नेस्टेड लूप्स इसकी आइडिया ये है इसका कि अगर आपके पास एक जॉइन ऑपरेशन है जो कि दो टेबल्स पे आपने अप्लाई करना है तो उनमें से जो आपका रिलेशन पहले लिखा हुआ है जिससे आपने डॉक्टर साहब ने कहा कि एम्प नेशनल जॉइन डिपार्टमेंट इसमें से जो पहला रिलेशन है जैसे इस केस पर जैसा कि एम्प है इसको आप ले लें एज द एक्सटर्नल रिलेशन ठीक है और दूसरा जो आपका टेबल है इस केस में जैसे मैं आपसे डिपार्टमेंट कह रहा हूं तो डिपार्टमेंट को आप कंसिडर कर लें एज इंटरनल रिलेशन तो जो नेस्टेड लूप एक्सीक्यूशन है इसकी स्ट्रैटेजी ये है कि जो आपका एक्सटर्नल रिलेशन है उसका आप एक ब्लॉक पढ़ लें या उसके आप जो सर्टन रिकॉर्ड्स है वो पढ़ लें पढ़ने से बरात यह है कि आप उसको से डिस्क से रीड करके आप उसको रैम मिलें और फिर उसके बाद आप जो आपका इंटरनल रिलेशन है उसको आप पढ़ें इस तरीके से कि वो सेकेंड लूप बन जाएगा और फिर ये होगा कि जो आपका एक्सटर्नल आपका जो टेबल था उसके जब ने रिकॉर्ड पढ़ लिए तो वहाँ का जो पहला रिकॉर्ड है उसकी जो आपके पास जॉइन एट्रीब्यूट है उसकी उस वैल्यू के लिए आप इंटरनल टेबल से तमाम रिकॉर्ड्स को सर्च करेंगे और जिसमें उसकी वैल्यू मैच करती है उनको ध्यान के आप जॉइन करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें आपके दो लूप्स लग जाएंगे पहलूप क्या करेगा कि जो आपका एक्सटर्नल रिलेशन है वहाँ से आपके भारी बारी रिकॉर्ड्स को पढ़ेगा और फिर जो आपका जॉइन एट्रीब्यूट है उसकी वैल्यू के लिए इंटरनल जो आपका रिलेशन होगा उसके रिकॉर्ड्स को भारी बारी पढ़ेगा और उनसे मैच करेगा अब इस केस में अगर आपके यानी जो जो आपके रिलेशंस हैं अगर वो इंडेक्स नहीं है एक खास ऑर्डर में या लेट से जो आपका ज्वाइन एट्रीब्यूट है उसके ऊपर अगर वो इंडेक्स नहीं है जो उस ऑर्डर में स्टोर नहीं है उस केस में इस की जो कंप्लेक्सिटी होगी इस ऑपरेशन परफॉर्म करने की या इस तरीके से ज्वाइन को परफॉर्म करने की वो होगी ऑफ द ऑर्डर एन वन स्टार एन टू क्योंकि आपने एक्सटर्नल रिलेशन के हर टपल के लिए आपने जो इंटरनल रिलेशन है उसके तमाम टपल्स को जो कि पढ़ना है तो इसलिए जो इसकी कम्पलेक्सिटी है वो बन जाएगी एन वन स्टार एन टू वेर एन वन इज द कार्डिनलिटी ऑफ द एक्सटर्नल रिलेशन एंड एन टू इज द कार्डिनलिटी ऑफ द इंटरनल रिलेशन तो ये एक स्ट्रेटजी है ज्वाइन को इम्प्लीमेंट करने की अब दूसरी हमारे पास जो स्ट्रेटजी है उसे कहते हैं मर्ज ज्वाइन इसमें यह है कि जो हमारे रिलेशन हैं वो सॉर्टेड हैं यानी जो हमारे पास ज्वाइंट एट्रीब्यूट है मिसाल के तौर पर जैसे मैंने आपसे अभी एग्जाम्पल दी है कि हमारे पास है एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट अब इनका जो ज्वाइंट एट्रीब्यूट है जिसके बेसिस पे आपने इन दोनों टेबल्स को ज्वाइन करना है लेट्स से कि वो हमारे पास है डिपार्टमेंट आईडी। तो अगर हमारे पास डिपार्टमेंट जो है वो एक्सटर्नल टेबल है और एम्प्लॉय हमारे पास इंटरनल टेबल है उसमें क्या होगा कि आपको दोनों के अंदर यानी डिपार्टमेंट के अंदर भी और जो आपका एम्प्लॉय के टेबल है दोनों के अंदर चूंकि आपको रिकॉर्ड मिल रहे हैं डिपार्टमेंट आईडी के बेसिस पे सॉर्टेड तो अब क्या होगा कि अब सिंपली आपको जो यह करना होगा कि आपको जो आपका एक्सटर्नल रिलेशन है उसके आप रिकॉर्ड्स पढ़ेंगे अब यहां पे आपके पास एक रीड के दौरान जितने भी रिकॉर्ड्स आ गए जब आप इसके अगेंस्ट इंटरनल रिकॉर्ड इंटरनल रिलेशन के जब रिकॉर्ड पढ़ेंगे तो वो भी उसी ऑर्डर में होंगे इसका मतलब है कि आपको इस ब्लॉक के अंदर से जितने भी यहां पे आपके पास जॉइन एट्रीब्यूट के रिकॉर्ड्स हैं इससे मैचिंग अगर रिकॉर्ड जो होंगे तो इंटरनल रिलेशन के अंदर से वो उसी ऑर्डर में होंगे चुनाचे ऐसा नहीं होना होगा कि आपको इस ब्लॉक के लिए इंटरनल रिलेशन को सारे का सारा पढ़ना होगा ऐसा नहीं होगा क्योंकि जो हमारे पास नेस्टेड लूप वाला ऑप्शन था जो स्ट्रेटेजी थी उसमें आपको एक्सटर्नल रिलेशन के हर रीड के लिए इंटरनल रिलेशन पूरा पढ़ना पड़ेगा इसलिए कि चूंकि रिकॉर्ड्स ऑर्डर नहीं है तो क्या होगा कि किसी एक रिकॉर्ड से जो कि इसमें है आपके पास एक्सटर्नल रिलेशन का है उससे मैच करता हुआ एक रिकॉर्ड इंटरनल रिलेशन में किसी भी जगह पड़ा हुआ हो सकता है चुनाचे इसके एक रीड के अगेंस्ट आपको इंटरनल सारे का सारा पढ़ना था तभी उसकी कंप्लेक्सिटी थी वो थी एन वन क्रॉस एन टू लेकिन इस केस में क्योंकि ऑर्डर्ड है तो क्या होगा कि आप के जो एक्सटर्नल रिलेशन है उससे जो मैचिंग रिलेशन है कॉमन एट्रीब्यूट के बेस पे या जॉइन एट्रीब्यूट के बेस पे वो खास ऑर्डर में ही होंगे इसका मतलब फर्ज कि यहाँ पर डिपार्टमेंट आई डी थ्री है तो डी थ्री अगर आपको इंटरनल में कहीं मिल गया तो फर्ज करें डी थ्री के पांच रिकॉर्ड हैं जब आपने वो पांच मैच कर लिए और डी थ्री के बाद फर्ज करें इंटरनल रिलेशन में डी सेवन स्टार्ट हो जाता है तो एक बात तो यह है कि हमारे पास डी फोर डी फाइव और डी सिक्स के हमारे पास, पास रिकॉर्ड नहीं है एक बात और दूसरी बात यह है क्योंकि इंटरनल रिलेशन भी ऑर्डर्ड है तो अब D3 का रिकॉर्ड कोई भी इंटरनल रिलेशन से आगे नहीं मिलेगा क्योंकि वो ऑर्डर्ड है और इसी तरीके से चूंकि एक्सटर्नल भी ऑर्डर है तो क्या है कि डी जो डी थ्री जो डिपार्टमेंट डी थ्री का जो रिकॉर्ड है वो एक्सटर्नल में भी अब दोबारा नहीं मिलने वाला चुनाचे इस केस में जो आपकी कंप्लेक्सिटी है आपके ज्वाइन ऑपरेशन की वो एन वन प्लस एन टू है वेयर एन वन एंड एन टू आर एज आई टोल्ड यू बिफोर द कार्डिनलिटीज ऑफ द एक्सटर्नल रिलेशन एंड द इंटरनल रिलेशन तो ये दो स्ट्रेटेजीज हैं ज्वाइन को इम्प्लीमेंट करने की या एक्सीक्यूट करने की अब मिसाल के तौर पे हम अगर ये देखें कि हमारे पास एक क्यूरी है सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प असाइन प्रोज वेयर एम्प्लॉय डॉट ई नंबर इज इक्वल टू असाइन डॉट ई नंबर एंड प्रोज डॉट पी नंबर इज इक्वल टू असाइन डॉट पी नंबर एंड प्रोजेक्ट नेम इज इक्वल टू कैट कैम अब फर्ज करें कि हमारे पास ये सिचुएशन है कि जो एम्प्लॉय है वो इंडेक्स्ड है एम्प्लॉय नंबर के ऊपर असाइनमेंट के पास भी एक इंडेक्स है वो है प्रोजेक्ट नंबर के ऊपर और जो प्रोजेक्ट है वो इंडेक्स है प्रोजेक्ट नंबर के ऊपर और प्रोजेक्ट नेम के ऊपर तो ये सामने जो स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं ये हमारे पास है ज्वाइन ग्राफ इसमें आपको नजर आ रहा है कि असाइन जो हमारा टेबल है ये जॉइन होगा एम्प्लॉय के साथ बेस्ड ऑन द एट्रीब्यूट ई नंबर या आप ये कह सकते हैं कि जो हमारा ज्वाइन एट्रीब्यूट है इस केस में यानी इन केस ऑफ असाइन एंड एम्प्लॉय दैट इज ई नंबर एंड द जॉइन एट्रीब्यूट इन केस ऑफ असाइन एंड प्रोजेक्ट इज प्रोजेक्ट नंबर तो दिस इज आवर जॉइन ग्राफ ओके पहली बात तो यह है कि चूज द बेस्ट एक्सेस पाथ टू ईच रिलेशन अब इसमें जब आप एक्सेस पाथ की बात करते हैं तो एम्प्लॉय के केस में तो चूंकि आपने तमाम एम्प्लॉयज uh, को uh, आपने एक्सेस करना है तो इसमें तो आपकी सिक्वेंशल स्कैन चल जाएगी या आपकी जो सिक्वेंशल एक्सेस है वो चल जाएगी क्यों इसलिए कि आपने जो एम्प्लॉय नंबर है उसके ऊपर कोई एक तो आपकी कंडीशन नहीं है यानी कोई कोई उस पर प्रेडिकेट नहीं है और सेकेंडली आपके जो वैसे भी जो एम्प्लॉय के जो टपल्स हैं वो इंडेक्स्ड हैं एम्प्लॉय नंबर के ऊपर और यही आपका जॉइन एट्रीब्यूट है असाइन के साथ चो तो नाचे इसमें तो आपके पास जो सिक्वेंशल एक्सेस है वही चल जाएगी अब चूंकि आपके पास जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर आपके पास एक कंडीशन है जो कि आपने लगाई हुई है प्रोजेक्ट नेम के ऊपर चुनाचे आपको प्रोजेक्ट नेम का जो इसका इंडेक्स है उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा और आप वो जो कैट कैम प्रोजेक्ट की जो कंडीशन लगाएंगे उसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे यूजिंग द इंडेक्स ऑन पी नेम और फिर उसको आप जॉइन करेंगे बाकीों के साथ अब इसमें यह है कि आपने ये देख लिया कि जैसे कि क्यूरी एक्सिक्यूशन में या क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन में हमारे पास दो चीज़ें थी पहली बात तो थी कि बेस्ट एक्सेस पाथ वो हमने देख लिया के डिफ्रेंट रिलेशन केस में जो हमारे पास एक्सेस पाथ बनेगा वो क्या होगा अब जब दूसरी बात आती है कि डिटर्मिन द बेस्ट जॉइन ऑर्डरिंग अब याद होगा आपको कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि आपको जो तमाम पॉसिबल ऑर्डरिंग्स हैं उनको पहले इस्टेब्लिश करना है और अगेन मैंने आपसे कहा था कि चूंकि परम्यूटेशन करते हैं और परमुटेशन में जो ऑर्डर मैटर करता है अब इस केस में बिकॉज वी हैव गॉट थ्री रिलेशन तो देर आर थ्री फैक्टोरियल ऑर्डरिंग पॉसिबल इन दिस केस एंड व्हेन वी से थ्री फैक्टोरियल बाय दैट वी मीन के थ्री फैक्टोरियल इज बिकॉज सिक्स इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो पॉसिबल ऑर्डरिंग्स हैं वो छ हैं तो जो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल अप्रोच है वो तो ये है कि हम तमाम जो छह ऑर्डरिंग्स हैं उनके हम कॉस्ट इवेलुएट करें यूजिंग ऑल द डाटा बेस्ड स्टेटस्टिक्स और बाकी जो उनके सेलेक्टिविटी फैक्टर हैं दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि बजाय इसके कि हम वो तमाम के तमाम की जो साइज़ है या उनका जो कॉस्ट है उसको कंप्यूट करें हम ये देखें कि उनमें से कौन से ऐसे हैं कि जिनको हम कुछ एनालिसिस करके इग्नोर कर सकते हैं अच्छा तो यही होगा कि हम जो छह हमारे पास पॉसिबिलिटीज हैं उन सब को देखने के बाद उनमें से कुछ को हम रिजेक्ट कर देंगे ज़ाया कर देंगे और जो बाकी बच जाएंगे उनको फिर हम ये देखेंगे कि हम उनकी कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे और जहरा के जो बेहतर कॉस्ट देगा यानी जो कम कॉस्ट देगा उसको हम अडॉप्ट करेंगे अब देखिए नेक्स्ट पेज पे आपको ये डायग्राम नज़र आएगी जिसमें कि जिस हमने वो तमाम पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो डिस्कस की हुई हैं और फिर किस तरह से हमने उनमें से सर्टन को रिजेक्ट किया हुआ देखिए अब ये देखिए कि आपके पास एक डायग्राम है इसमें अगर आप देखें तो आपको फर्स्ट लेवल पे आपको जो तीनों आपके रिलेशन हैं यानी एम्प्लॉय असाइनमेंट और प्रोजेक्ट ये तीनों दियो में उसके बाद अब देखिए कि लेवल टू के ऊपर ये शो किया हुआ है कि हर टेबल जो है दैट कैन बी ज्वाइंट इन ए सर्टन ऑर्डर विद अदर टू रिलेशन मिसाल के तौर पर अगर आप एम्प को देखें तो एम्प हम ज्वाइन कर सकते हैं असाइनमेंट के साथ और एम्प और प्रोजेक्ट के दरमियान चूंकि कॉमन एट्रीब्यूट नहीं है इसलिए दे के नॉट बी ज्वाइन चुनाचे अगर हमें इन दोनों को मिलाना है देन ऑब्वियसली वी हैव नो अदर ऑप्शन रादर देन टेकिंग देयर क्रॉस प्रोडक्ट दैट इज वाई यू आर सींग एम्प्लॉय और असाइनमेंट के दरमियान तो हमने नेशनल ज्वाइंट शो किया हुआ है लेकिन जब हम कहते हैं एम्प्लॉय और प्रोजेक्ट के दरमियान तो वहां पर हमने शो किया हुआ क्रॉस प्रोडक्ट इसी तरह हम देखें कि जब हम लेवल वन के ऊपर जो असाइनमेंट रिलेशन है इसके साथ भी हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं जिससे हमने कहा हुआ कि असाइनमेंट का हम नेचुरल जॉइन ले सकते हैं एम्प्लॉय के साथ और इसी तरीके से असाइनमेंट का नेचुरल जॉन हो सकता है प्रोजेक्ट के साथ और जहरा ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि असाइन जो है इसमें दोनों टेबल्स की प्राइमरी की मौजूद है एज फॉरन की यानी एम्प्लॉय की भी और प्रोजेक्ट की भी चिनाचे इसका नेचुरल जैन लिया जा सकता है दोनों के साथ उसके बाद है हमारे पास प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट का फिर यही है कि प्रोजेक्ट का नेचुरल जैन हो सकता है असाइनमेंट के साथ लेकिन प्रोजेक्ट कैन नॉट हैव नेचुरल जॉइन विद एम्प्लॉय बिकॉज देर इज नो ज्वाइन एट्रीब्यूट सो वी हैव नो ऑप्शन रादर दैन टेकिंग द्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू टेबल्स अब देखिए कि इस डायग्राम में आपको सेकेंड लेवल पर सर्टन जो जॉइ हैं जो सर्टन जो ऑर्डरिंग्स हैं देव बिन अंडरलाइंट अंडरलाइं जितनी भी हैं इससे मुराद ये है कि हमने इनको इस लेवल के ऊपर रिजेक्ट कर दी है देव बिन प्रूव्ड अब इसकी रीज़न है देखें जहाँ तक बात है क्रॉस प्रोडक्ट की यानी जो एम्प्लॉय क्रॉस प्रोजेक्ट है या प्रोजेक्ट क्रॉस एम्प्लॉय है इनको तो हमने स्टेट वे रिजेक्ट कर दिया इसलिए कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो ऑलवेज उसको हम अवॉइड करने की कोशिश करते हैं बिकॉज इस ह्यूज साइज और इसकी इन जनरल ज़रूरत नहीं होती और अगर ये अवॉइड किया जा सके तो हम इसको हमेशा अवॉइड करते हैं तो ये दो तो स्टेट वे हमने रिजेक्ट कर दिए अब उसके बाद देखिए हमारे पास है एम्प्लॉय नेचुरल जॉइन असाइन और असाइन नेचुरल जॉइन एम्प्लॉय अब देखिए ये दोनों जो ऑपरेशन हैं ये दोनों ऑर्डरिंग्स जो हैं इनका आउटपुट तो सेम होगा क्योंकि हमारे पास जो नेचुरल ज्वाइन है उस पर कॉम्पोटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है चुनाचे अगर आप लें एम्प्लॉय ज्वाइन असाइनमेंट या असाइनमेंट जॉइन एम्प्लॉय दोनों का आउटपुट तो सेम होगा एज फार एज दी रिलेशुट आरसर्ट द टल्स इन द आउटपुट आर कंसर्न लेकिन एक्सिक्यूशन वाइज जब आप इनकी कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो उस पर फर्क आएगा फर्क की जो वजह है वो ये है कि जो आपके पास एम्प्लॉय टेबल है वो ऑर्डर्ड है या वो इंडेक्सड है बेस्ड ऑन द एम्प्लॉय नंबर दैट इज आवर ज्वाइनिंग एट्रीब्यूट जॉइंट एट्रीब्यूट हमारा बिटवीन असाइनमेंट एंड एम्प्लॉय चुनाचे इन दोनों ऑर्डरिंग में जो डिफरेंस होगा वो ये होगा कि आप अगर लेते हैं एम्प्लॉय नेशनल जॉइन असाइनमेंट इस सिचुएशन में क्या हो रहा है कि एम्प्लॉय बिकम्स योर एक्सटर्नल रिलेशन व्हेन वी थिंक अबाउट दस्टेड लूप एक्सीक्यूशन ऑफ द नेशनल ज्वाइन क्योंकि देखिए ये जो दोनों आपके रिलेशन हैं दे आर नॉट सॉर्टेड ऑन दी जॉइन एट्रीब्यूट चुनाचे इसमें आपको जो मर्ज जॉइन है वो तो अप्लाई नहीं होगा इस पर अप्लाई होगा नेस्टेड लूप वाली ऑप्शन जो है चुनाचे अगर आप वही कर रहे हैं कि अगर आप लेते हैं एम्प्लॉय ज्वाइन असाइनमेंट तो एम्प्लॉय बिकम्स योर एक्सटर्नल रिलेशन और असाइनमेंट बिकम्स योर इंटरनल रिलेशन लेकिन अगर आप कहते हैं असाइनमेंट एम्प्लॉय uh, उस केस में जो असाइनमेंट है दिस बिकम्स योर एक्सटर्नल रिलेशन और एम्प्लॉय बिकम्स द इंटरनल रिलेशन चुनाचे अब फर्क क्यों पड़ता है कि आपके पास जो आपके पास जो एक्सटर्नल रिलेशन है उसका आपने एक ब्लॉक रीड कर लिया तो इंटरनल रिलेशन जब आप पिक करना चाहते हैं तो उसमें आपको चूंकि चूंकि इंटरनल जो आपका रिलेशन है वो ऑर्डर है इस केस में जो कि एम्प्लॉबल है हमारा तो वो आपको जो टोटल नंबर ऑफ एक्सेस हैं वो कम देगा तो इस बेसिस पे हमने ये किया कि हमने जो एम्प्लॉय ज्वाइन असाइनमेंट वाली ऑप्शन है उसको हमने एक्सक्लूड कर दिया उसको हमने रिजेक्ट कर दिया और जो असाइनमेंट ज्वाइन एम्प्लॉय वाली ऑप्शन है उसको हमने एक्सेप्ट कर लिया इसी तरीके से जो हमारे पास प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट ज्वाइन असाइनमेंट और असाइनमेंट ज्वाइन प्रोजेक्ट इसमें आप देखें अगेन इन दोनों का आउटपुट जो है वो सेम होना था लेकिन हमने ये अस्यूम किया है कि असाइनमेंट क्रॉस प्रोजेक्ट जो है दैट वुड बी हैवियर एज कम्पेयर टू प्रोजेक्ट ज्वाइन असाइनमेंट क्यों क्योंकि जो आपका जो आपका प्रोजेक्ट है उसकी जो आपका जॉन एट्रीब्यूट है दैट इज दी प्रोजेक्ट नंबर वो उसकी प्राइमरी की है देखिए दोनों सिचुएशन में फर्क है पहली सिचुएशन में ये था कि असाइनमेंट जो है वो ज्वाइन uh, एट्रीब्यूट पे बिल्कुल भी इंडेक्सड नहीं है लेकिन एम्प्लॉय जब इंडेक्सड है तो उस केस में आपने एम्प्लॉय को इंटरनल के तौर पे ले लिया इस केस में क्या है कि दोनों ही इंडेक्स्ड हैं बेस्ड ऑन दी प्रोजेक्ट नंबर लेकिन चूंकि आपका जो प्रोजेक्ट नंबर है दैट इज की ऑफ द प्रोजेक्ट टेबल चुनाचे इसको आप लेंगे एज द एक्सटर्नल रिलेशन और असाइनमेंट को लेंगे आप एज इंटरनल रिलेशन चुनाचे जो हमारे पास छह पॉसिबिलिटीज थी उनमें से हमने चार को रिजेक्ट कर दिया लेवल टू के ऊपर और दो को हम आगे लेंगे अब हमारे पास जो दो आगे ऑप्शन आई थी वो था एक तो असाइनमेंट ज्वाइन एम्प्लॉय और प्रोजेक्ट ज्वाइन असाइनमेंट अब जब ये दोनों तीसरे लेवल पे आएंगी तो यहां पे इन दोनों ऑप्शन के साथ वी एड अप दर्ड रिलेशन तो क्या होगा जब अगर हम असाइनमेंट ज्वाइन एम्प्लॉय को आगे लेके आते हैं तो इसके साथ प्रोजेक्ट अटैच हो जाएगा और जब प्रोजेक्ट जॉइन असाइनमेंट आगे आएगा तो उसके साथ एम्प्लॉय अटैच हो जाएगा अब यहां पर यह कि ये बेसिकली हमारे पास वो दो ऑप्शंस हैं कि जिनकी हमने कॉस्ट कैलकुलेट करनी है और कॉस्ट से रात यही है कि बेसिकली हमने ये देखना कि जो इंटरमीडिएट टेबल क्रिएट होंगे उनका साइज क्या होगा तो कौन से है जो कि प्रोड्यूस इंटरमीडिएट रिलेशन और उनको फिर हम इस्तेमाल करेंगे एज आवर फाइनल सिलेक्टेड स्ट्रेटेजी चुनाचे ये आपने एग्जाम्पल देख है कि किस तरीके से हम डिफरेंट जो पॉसिबिलिटी है जॉइंट ऑर्डरिंग्स की उनमें से हम डिफरेंट स्ट्रेटीज की कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं और जो हमें बेस्ट एफिशिएंसी देगा उसको हम सेलेक्ट करेंगे एज एन आउटपुट डियर स्टूडेंट्स ये जो हमने सारी अप्रोच डिस्कस की है जिसमें हमने कहा था कि आप अपना एक्सेस पाथ लेते हैं उसके बाद आप जॉइन ऑर्डरिंग जो है वो तमाम पॉसिबल देख के उनमें से बेस्ट आप सेलेक्ट करते हैं दैट वॉज द स्ट्रेटी रिगार्डिंग दिसट्रलाइज क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन अब ऑल दो फिलोसफी तो बेसिक यही इस्तेमाल होती है बेसिक इसमें यही इस्तेमाल होती है लेकिन वेन वी कम टू ए डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरमेंट डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा बेस एनवायरमेंट उस केस में ऑब्वियसली अब हम रिलेशन की बात ही कर रहे हैं बल्कि हम बात कर रहे हैं फ्रेगमेंटेड क्यूरीज की क्योंकि जैसे हमने कहा था कि अगर सेंट्रलाइज एनवायरमेंट है तो हमें क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन के पास जो एक क्यूरी ट्री आएगा दैट वुड बी फ्रॉम द डिकम्पोजिशन फेज लेकिन अब अगर हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वामेंट की तो यहाँ हमारे पास जो डाटा लोकलाइजेशन का फेज था वहां से हमारे पास जो फ्रेगमेंटेड क्यूरीज हैं वो पहुंची हैं तो अब हम ये देखेंगे कि जो जॉइंट ऑर्डरिंग है उसमें क्या फ़र्क पड़ता है इन केस ऑफ द फ्रेगमेंटेड क्यूरीज अब बात यह है कि इट इज़ इंपॉर्टेंट ऑबियसली इस ये कहने की जरूरत तो नहीं है अब इसमें जब हम ये बात करने जा रहे हैं यानी जब हम बात कर रहे हैं फ्रेगमेंटेड क्यूरीज़ की तो हम यहाँ पे कुछ सर्टन एग्जाम्पन्स जो हैं वो हम बना रहे हैं पहली बात तो वही है कि चूंकि इस पर फ्रैगमेंट्स इन्वॉल्व हैं और जब हम बात करते हैं फ्रैगमेंट्स की तो फ्रेगमेंट्स आर स्टोर्ड ऑन मल्टीपल साइट्स तो पहली बात तो ये है कि जो आपके पास लोकल साइट के ऊपर जो आपकी कॉस्ट आ रही है जो टाइम स्पेंड हो रहा है उसको हम इसमें इग्नोर कर देते हैं इसलिए कि वो कंपेरेटिवली इतनी शॉर्टर है एज कम्पेयर टू जो बाकी हमारे पास दो चीज़ें हैं यानी जो हमारे पास जॉइन जो इंटरमीडिएट टेबल का साइज़ है या जो कम्युनिकेशन कॉस्ट है इसलिए हम बाकी जो उसके IO है या जो CPU जो उस पर टाइम है उसको हम इग्नोर कर देते हैं इसके अलावा हम ये भी assume करते हैं कि जो सिलेक्शन या प्रोजेक्शन के ऑपरेशन हैं वो जॉइन ऑपरेशन से या तो पहले हो चुके हुए हैं टेबल्स के ऊपर या वो इस दौरान हो जाएंगे जो नाचे हम जो सिलेक्शन और प्रोजेक्शन के ऑपरेशन हैं उनको भी इग्नोर कर देते हैं और हमारा जो फोकस होगा जाहिर है कि वो जॉइंट टेबल के ऊपर होगा और देखिए एक और चीज़ इसमें ये है कि इसमें नो देर आर मल्टीपल साइट्स इन्वाल्व कोई साइट ऐसी है कि जहाँ पे से किशिएट हुई है कोई साइड ऐसी है कि जहाँ पे के फैगमेंट्स बढ़े हुए हैं कोई साइट्स ऐसी हैं कि जहां पे आपके ऑपरेशन हो रहे हैं और कुछ साइट ऐसी हैं कि जहां पे आपने अल्टीमेटली रिजल्ट को भेजना है कि रिजल्ट तो आपको उसी जो हम बना रहे हैं से एक ये भी है कि आपकी अल्टीमेट जो आपकी साइट है जिसके ऊपर रिजल्ट ट्रांसफर करना है उसमें जो आपकी कॉस्ट आनी है उसको हमने इग्नोर कर दिया इसलिए वो कॉस्ट हो सकता है कि हर दफा उसमें इन्वॉल्व ना हो कि हो सकता है बास केसेस में कि जो आपका फाइनल आउटपुट रिजल्ट बना है वो उसी साइट के ऊपर बना है कि जहाँ पर के आपका रिजल्ट क्रिएट हुआ है या ये भी हो सकता है कि वो जो आपका रिजल्ट अल्टीमेटली बना है वो किसी और साइड पे बना है और जिस साइड पे आपको रिज़ल्ट चाहिए वो के और है तो चाहिए जो फाइनल फेज़ है कि जब आप रिज़ल्ट को अल्टीमेटली पहुंचाते हैं उस साइट कि जिस साइड से क्यूरी इनिशिएट हुई थी और जहां आपको रिज़ल्ट चाहिए उस टाइम को हमने इग्नोर कर दिया हुआ है दीज आर सर्टन एजम्पन्स डैट आर बीन मेड वाइल डिस्कसिंग वाइल कंसिडरिंग द फ्रेगमेंटेड क्यूरीज उसके बाद यह है कि के इस केस में यानी फ्रेगमेंटेड क्यूरीज केस में अगेन देर आर टू ऑप्शन वन इज ज्वाइन ऑर्डरिंग अब देखिए जो आपके पास सेंट्रलाइज क्यूरी अपनी मद उसमें भी दो ऑप्शन थी लेकिन उसमें क्या था ए एक बेस्ट एक्सेस पाथ और ज्वाइन ऑर्डरिंग इसमें यह है कि हम पहले कह चुके हैं क्योंकि हमने ये सपोज कर लिया हुआ कि जो सिलेक्शन है और जो प्रोजेक्शन के ऑपरेशन को हमने इग्नोर कर दिया हुआ है चनाचे इसमें जो दो अल्टरनेटिव हैं वो वो नहीं है बल्कि यहां पर यह है कि ज्वाइंट ऑर्डरिंग कि आप डिफरेंट ज्वाइंट ऑर्डरिंग को कंसिडर करें और उसमें से जो आपको बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा है उसको सेलेक्ट करें तो ऑप्शन ये है जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया है और दूसरी ये है कि आप जॉइंस को रिप्लेस कर दें बाय सेमी जॉइंस अब ये हमारे पास दो ऑप्शंस हैं इन केस ऑफ द डिफ्रेगमेंटेड क्यूरीज अब इसमें से जो आपके पास पहली वाली इनकी जो ज्वाइन ऑर्डरिंग वाली है कि तमाम ज्वाइन ऑर्डरिंग्स को हम कंसिडर करें और उनकी कॉस्ट एवेलुएट करें वो नस्पतान मुश्किल है क्यों मुश्किल है कैसे ये इनशाला आपको आगे पता चलेगा अब बात यह है कि नाउ वेयर कंसिडरिंग द जॉइन ऑर्डरिंग अब जॉइन ऑर्डरिंग में डिफरेंट ऑप्शन हैं पहली ऑप्शन तो ये है कि हमारे पास जो जॉइन है दैट वी वॉन्ट टू परफॉर्म ऑन टू रिलेशन ट से जैसे यहां पे लिखा है आपके सामने स्क्रीन पे कि आर और एस दो हमारे पास रिलेशन हैं और उनके ऊपर वी वॉन्ट टू परफॉर्म ऑपरेशन इसमें से जो एक जो स्ट्रेट वे एक हमारे पास एक रूल है वो ये है कि आप ये देखें कि किस टेबल का साइज जो है वो कम है छोटा है चुनाचे इसमें अगर हमारे पास R और S दो टेबल्स हैं तो अगर तो R का साइज छोटा है एस के साइज से तो हम आर को ट्रांसफर करेंगे एस की साइट के ऊपर ठीक है और वहां पे जॉइन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और अगर हमारे पास जो एस का साइज है वो आर के साइज से कम है तो हम एस को ट्रांसफर कर देंगे आर की साइट के ऊपर और वहां पे हम जॉइन का ऑपरेशन कर देंगे अब ज़रा कि इसकी लॉजिक समझना कोई बहुत भुँँ मुश्किल नहीं है इसलिए कि हमने पहले ये बात कह चुके हैं कि जो मेजर हमारे पास चीज़ कंसिडर होती है एक डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट में वो है कम्युनिकेशन कॉस्ट तो जाहिर है कि अगर आपके पास जब आप स्मॉलर टेबल को मूव करना चाहेंगे टूवर्ड द अदर साइड तो उस पर आपकी जो कॉस्ट है वो कम आनी है जब आपका टेबल दूसरी साइड पे पहुंच गया और माइंड इट इस ऑपरेशन के लिए आपको उसको वहाँ पर टम्प्ररली स्टोर करना होगा वहाँ परमानेंटली स्टोर नहीं होगा तो मैं ये बात कह रहा था कि अगर आपके पास एक टेबल का साइज स्मॉलर है तो उसको ट्रांसफर करने की जो कॉस्ट है वो डिस्पेन्स कम आएगी तो जाहिर है कि ये तो एक सिंपल से लॉजिक है कि जिस टेबल का साइज छोटा है दो टेबल्स केस में छोटे टेबल्स को छोटे टेबल को दूसरी साइड पे मूव कर देंगे और फिर इनका ज्वाइन लेंगे अब यहां पे जो ज्वाइन में बाकी जो डिसीशन हैं जो एक्सेस पाथ वाली बात है ये जो बाकी चीज़ें हैं वो फिर इसके अंदर ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाएंगी कंसिडर हो जाएंगी तो ये तो है जॉइन ऑर्डरिंग इन दी फ्रेगमेंटेड क्यूरीज वन देर आर टू रिलेशन इन्वॉल्व अब यह है कि अगर हमारे पास मोर दैन टू रिलेशन इन्वॉल्व हैं जैसा कि देखें कि तीन हो सकते हैं या चार हो सकते हैं तो उस केस में ऑब एक सोलूशन हमारे पास ये है कि हम तमाम पॉसिबल कॉस्ट जो है वो कैलकुलेट करें तो ज़ाहरा उसमें हमें हर टेबल में जो है ना हर केस में हमें जो इंटरमीडिएट टेबल है उसका साइज़ कैल्कुलेट करना पड़ेगा देखिए ना अगर हमारे पास दो टेबल्स थे फिर तो ज़ाहरा कि जो भी हमको ज्वाइन ले रहे हैं तो वो हमारा फाइनल आउटपुट टेबल ही है बट वेन वी आर टॉकिंग अबाउट थ्री टेबल्स तो ज़हरा एक वक्त पर तो हम दो का लेंगे ना जॉइन तो उसमें हमारे पास नेचुरली जिनका हम पहले दो का जॉइन ले रहे हैं वो बेसिकली ज्वाइन जो है दैट इज़ प्रोड्यूसिंग एन इंटरमीडिएट टेबल तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम तमाम पॉसिबल कॉस्ट जो है वो कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ज़हरा कि उसमें हमें जो इंटरमीजिएट टेबल है और जो फाइनल टेबल है उसका जो साइज़ है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा लेकिन तमाम पॉसिबल कम्बिनीशन में जो इंटरमीडिएट टेबल है उनका साइज कैलकुलेट करना जो है वो मुश्किल है देखें कैसे फर्ज़ करें हमारे पास एक क्यूरी है जो कि एम्प्लॉय असाइनमेंट और प्रोजेक्ट तीनों टेबल्स का जॉइन इन्वॉल्व करती है तो अब इस केस में फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास सिचुएशन है कि हमारे पास एम्प्लॉय जो है वो साइट वन के ऊपर है जो असाइनमेंट है वो साइट टू पर है और जो प्रोजेक्ट है वो साइट थ्री के ऊपर है तो इस केस में हमारे पास जो स्ट्रेटी है वो डिफरेंट हो सकती है क्योंकि बात यह ना कि आप देखिए अब प्रॉब्लम यह आ गया कि वी आर टॉकिंग अबाउट ए डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इन्वॉर्मेंट मल्टीपल साइट आर इन्वॉल्व जैसे आप देख रहे हैं कि अब हमारे पास जो टेबल्स हैं वो डिफरेंट साइट्स के ऊपर है अब डिफरेंट स्ट्रेटेजीज़ पॉसिबल है मिसाल के तौर पर अब स्ट्रैटी वन जो हमारे सामने इस वक्त लिखी हुई है वो ये है कि आप एम्प्लॉय को मूव करें साइट टू के ऊपर और साइट टू के ऊपर आप कंप्यूट करें एम्प्लॉय नेचुरल ज्वाइन असाइनमेंट और उससे एक टेबल बनेगा जिसको हम कहते हैं एम्प्लॉय प्राइम एम्प्लॉय प्राइम को आप मूव कर दें साइट थ्री के ऊपर और साइट थ्री के ऊपर आप कंप्यूट करें एम्प्लॉय प्राइम जॉइन प्रोजेक्ट ये हमारे पास है स्ट्रेटी वन ओके सिमिलरली ये हमारे पास स्ट्रेटी टू है कि असाइनमेंट को मूव कर दें साइट वन पे साइट वन पे आप कंप्यूट करें एम्प्लॉय प्राइम विच इज़ एम्प्लॉय नेचरल जॉइन असाइनमेंट और देखिए ये है आपका इंटरमीडिएट टेबल एम्प्लॉय प्राइम ये आपका इंटरमीडिएट टेबल है और फिर आपने देखें इसको आपने कंप्यूट करना है जो इसका साइज जो भी होगा इसको आपको मूव करना होगा साइट थ्री के ऊपर और साइट थ्री पे आप एम्प्लॉय प्राइम को लेंगे नेचुरल जॉइन विद प्रोजेक्ट ये हमारे पास स्ट्रेटेजी टू है इसी तरह ये हमारे पास स्ट्रेटेजी थ्री है स्ट्रैटी फोर है और बेसिकली आइडिया यही है कि आपके पास डिफरेंट आप रिलेशन्स को डिफरेंट साइड पर मूव करें वहां पर ज्वाइन लें और किसी साइड पर मूव कर दें ये हमारे पास डिफरेंट कॉम्बिनेशन है और आप देखिए कि प्रोजेक्ट और एम्प्लॉय के दरमियान लिंक नहीं है इसलिए कि इनके दरमियान कोई कॉमन एट्रीब्यूट नहीं है इनके ऊपर हम ज्वाइन परफॉर्म नहीं कर सकते डायरेक्टली और पांचवी हमारे पास स्ट्रैटेजी ये होगी कि हम एम्प्लॉय और प्रोजेक्ट दोनों को मूव कर दें साइट टू के ऊपर और वहां पे हम ले लें प्रोजेक्ट ज्वाइन असाइनमेंट ज्वाइन एम्प्लॉय ज़ाहिर है कि हम बारी बारी करेंगे तो चाचा ये हमारे पास पांच स्ट्रैटेजीज थी अब ज़ाहिर है कि अगर हम ये कहते हैं कि हम तमाम पॉसिबल हमने अगर कंसिडर करनी है ऑप्शन तो हर के केस में या हर ऑर्डरिंग केस में हमें इसकी कॉस्ट जो है वो कंप्यूट करनी पड़ेगी अब जाहिर है कि इनमें से हम कौन सी सेलेक्ट करें इसके जाहिर है कि हमें जो ऑपरन टेबल्स हैं उसका साइज़ पता होना चाहिए जो कि हमें ज़ाहिर पास चल जाएगा डाइट बेसप पे स्टोर है फिर यह है कि हमें तमाम केसिस में ज़ाहिर है कि जो इंटरमीडिएट टेबल्स हैं उनका साइज कैलकुलेट करना पड़ेगा अब ज़ाहिर है कि जो तमाम पॉसिबिलिटीज को अगर हम कैलकुलेट करना शुरू कर दें तो इट विल बी ए लेंथी प्रोसेस चुनाचे वो ये हो सकता है कि हम जो हमारे पास बजाय इसके कि हम तमाम पॉसिबिलिटीज कैलकुलेट करें हम इस पर ह्यस्टिक अप्लाई कर लेते हैं और वो ये है कि हम ये कहते हैं कि सिर्फ जो टेबल्स का साइज़ है उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि उसके बेसिस के ऊपर हम कहते हैं कि हम डिसाइड कर लेते हैं डिसीजन कर लेते हैं और हम ये कहते हैं कि जो हमारे पास इंटरमीडिएट टेबल बनेगा वो डिपेंड करेगा ऑन द कार्डिनेलिटी ऑफ द रिलेशंस इन वाल चुनाचे जो जो हमारे पास जिन टेबल्स में साइज जिस टेबल में टपल ज़्यादा हैं उनको हम ये कहेंगे कि वो बड़ा इंटरमीडिएट टेबल प्रोड्यूस करेंगे और जो टेबल्स छोटे हैं उनके बारे में हम ये अस्यूम कर लेते हैं कि वो निष्पतन छोटे प्रोड्यूस करेंगे इंटरमीडिएट टेबल्स और फिर उन पॉसिबिलिटीज़ को कि जो ये स्मॉलर इंटरमीडिएट टेबल इन्वॉल्व करते हैं उनको हम फाइनली कंप्यूट कर लेते हैं और उनमें से जो मिनिमम है उसको काउंट कर लेते हैं डियर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर को हम यहाँ वाइडअप करते हैं आज के लेक्चर में हमने बेसिकली जो थ्यूरी ऑप्टिमाइजेशन है उसको डिस्कस किया है और हमने ये देखा है कि किस तरह से जो सेंट्रलाइज क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन है उसके अंदर जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो एक ऑपरेशन है जो कि ज़्यादा मैटर करता है वो है जॉइन ऑपरेशन और फिर सेंट्रलाइज क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन के बाद अब हम इस वक़्त डिस्कस कर रहे हैं फ्रेगमेंटेड क्यूरीज को कि जो कि एक डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट में इन्वॉल्व होती हैं तो आज की डिस्कशन को हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे अपने अगले लेक्चर में अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा अल्लाह हाफिज़